हम भी कहते हैं देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को। आज हम इस रैली से घर जा पाएंगे भी नहीं, ये भी हमको पता नहीं है। देखिए 70 साल से जो काम हुआ है भारत में, अगर आप देखेंगे कोई भी सरकार हो, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, क्या किया है? मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया है। जो रावण होता है ना, वो राम के नाम से डरता है, तो ममता दीदी वैसा ही है, वो रावण है, राम के नाम से डरता है एकदम। हम भी बोलते हैं देश का जो गद्दार है, चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो ईसाई हो, उसे रूटेड साइड गोली मार देना चाहिए। हर जगह के युवाओं के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। मेरे साथ यहाँ पे एबीपी के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पॉलिटिकल करूँगा सर, कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, इस देश में सब जाति के मिलके रहते हैं, क्या मुसलमान के लिए क्या हिंदू के लिए ममता दीदी ने काम किया है? देखिए हम जो सोचते हैं मुस्लिमों को डेवलपमेंट होना चाहिए, पर यह ममता दीदी जो कर रहा है वो पूरी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। क्योंकि किसी को 2,000-2,500 रुपया भाता देने से किसी को डेवलपमेंट नहीं होता। शिक्षा देनी चाहिए, जॉब देनी चाहिए, ये मुस्लिमों को मांग होना चाहिए। और इसी के लिए हम चाहते हैं एबीवीपी के साथ जुड़कर जो पूरे छात्र युवा है वो सारे हम लोगों के साथ आइए, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो, सबको एक ही बात कहते हैं, हम लोगों का एक ही डिमांड है पश्चिम बंगाल में, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो एबीवीपी के साथ, पश्चिम बंगाल के ममता दीदी जो तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे वो मुस्लिम के साथ हो, वो बंद होना चाहिए। और तुष्टीकरण का राजनीति बंद करके एकदम ठीक से डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए ये बात, एक बात हम लोग जानते ही है, जो रावण होता है ना वो राम के नाम से डरता है, तो ममता दीदी वैसा ही है, वो रावण है, राम के नाम से डरता है। वो भी एक ब्राह्मण महिला है ना। देखिए उसका पॉलिटिकल जो करियर है अगर देखेंगे, वो पूरा तुष्टीकरण का राजनीति करता है, इसीलिए जय श्री राम कहने से चिढ़ जाती है। तो मुस्लिमों को, मुस्लिम जो समुदाय है उन लोगों के तुष्टीकरण के लिए वो ये सब करता है ना। वैसे अभी देखा जाए कि देश के जो मुसलमान हैं उनकी हालात जो यहाँ के दलित हैं उनसे भी बदतर है। देखिए 70 साल से जो काम हुआ है भारत में, अगर आप देखेंगे कोई भी सरकार हो, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, क्या किया है? मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया है, सच्ची डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि आप अगर देखेंगे मुस्लिम जो समुदाय है उनमें के शिक्षा के स्तर दिन के दिन नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? उन लोगों के लिए जो शिक्षा के जो प्रावधान होना चाहिए, जैसे और भी ज़्यादा जो मुस्लिम मोहल्ले है स्कूल होना चाहिए, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, डिग्री कॉलेजेस और बढ़ना चाहिए। और जो डिग्री कॉलेज अभी है उसमें सबसे ज़्यादा है सीट बढ़ना चाहिए। बहुत सारा जो यूनिवर्सिटी ममता दी ने खोल के दिया है, हमारे बांकुड़ा में भी दिया है, एक नाम है बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, ठीक है, उस बांकुड़ा यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के सिवा कुछ नहीं चालू किया, आर्ट्स में भी 70-60 करके सीट दिया है। तो चाहे जो एक ग्रेजुएशन में एक बैच में 150-200 निकल रहा है ऑनर्स करके, ठीक है, फिर क्या हो रहा है 70 को मिल रहा है और बाकी 70 क्या करे, हायर एजुकेशन नहीं ले, तो सीट बढ़ना चाहिए। और प्रति समुदाय को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सबको शिक्षा देनी चाहिए। आप इस चीज़ को मानते हैं कि चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, सबसे ज़्यादा अगर हमारे देश के अंदर परेशान है तो वो युवा परेशान है? एकदम परेशान तो सारा युवा है ही, पर एक बात है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, आप देखिए ममता दीदी का सरकार जो है, हम लोग तो बेरोजगार से जूझ रहे हैं, है ना, तो फिर क्या हो रहा है, हम लोग अगर उनका विरोध कर रहे हैं तो क्या रहा? एक तो गांजा केस लेके अंदर के डलवा दे रहे हैं, नहीं तो मोट के घात उतार दे रहे हैं। 134 कार्यकर्ता के मर्डर हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं, देश के दूसरे जगह में विरोध हो रहा है। देखिए ना दिल्ली में विरोध हो रहा है, किसान है जो, ठीक है, विरोध कर रहा है, एक भी लाठी पड़ा है उनको, केंद्र के जो दिल्ली की पुलिस हो चाहे CRPF हो जो भी है,
एक भी लाठी पड़ा है? हाँ होता है पश्चिम बंगाल में, मेरे ऊपर भी 4 बार हमला हुआ है, आपके ऊपर भी हो सकता है। सीएन न्यूज कलकत्ता न्यूज, कलकत्ता न्यूज को बंद करवा दिया था 3 दिन, ठीक है। फिर जो नेशनलाइज कार्यकर्ता है सारे पश्चिम बंगाल, चाहे आरएसएस का हो, चाहे एबीवीपी का हो, चाहे भाजपा का हो, देखिए ओबीसी असादुद्दीन ओबीसी का भाई का नाम क्या है, अकबरुद्दीन ओबीसी, उसने क्या कहा था, 15 मिनट में से पुलिस हटा लो, हम लोग उन लोग से भारी पड़ेंगे। अगर दिखा सकता है कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो कि कोई भी कार्यकर्ता हो ऐसा बयान दिया है कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो, हम लोग देख लेंगे। कपिल मिश्रा ने भी कहा था, अनुराग ठाकुर ने भी कहा था। देखिए कपिल मिश्रा ने क्या कहा था, हम भी कहते हैं देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को, एकदम हम भी बोलते हैं देश का जो गद्दार है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, उसे रूटेड साइड गोली मार देना चाहिए। तो जो देशद्रोह का सही देशद्रोह होगा तो सूटेड साइट ऑर्डर देना चाहिए। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आवेदन करते हैं कि देशद्रोह का आरोप किसी के भी ऊपर लगे सूटेड साइट ऑर्डर देना चाहिए। अच्छा योगी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो जो यूपी के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या आपकी राय है? देखिए यूपी के अंदर जब से योगी का सरकार आया है, योगी का सरकार आया है, तो एक बात देखिए देख सकते हैं जो वहाँ पे जो क्या लॉ एंड ऑर्डर है वो पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है, क्योंकि देखिए हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक हो वहाँ तो डेली रेप हो रहा है। देखिए रेप तो पहले भी रेप हुआ है, रेप एक सामाजिक समस्या है, हमारे समाज को बदलना चाहिए। तो फिर सरकार क्या कर रही है? देखिए जो यूपी में जो रेप हुआ है उसके बारे में नहीं जा रहे, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो माफिया राज की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए माफिया राज विकास दुबे को देखिए पकड़ा गया, चाहे वो कोई भी आतंक जो आतंक फैलाना चाहता है समाज में उसको क्या करना जा रहा है, उसको पुलिस की गिरफ्त में लिया जा रहा है, नहीं तो इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। ये हमारे पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर में ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर कर दिया जाए तो सरकार तो फिर इसका गलत इस्तेमाल करे, ममता बनर्जी भी आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो बर्बाद देगी। तो पता नहीं ना आज हम इस रैली से घर जा पाएंगे भी नहीं, ये भी हमको पता नहीं है। आज हम जा रहे हैं घर ना, इधर से जब चले जाएंगे ट्रेन में क्या होगा हमारे साथ हमको पता नहीं है, चलो तुम कि नहीं वो हम लोगों को नहीं पता। क्या बोलेगा तुमने भगवा के क्या होगा था दुपट्टे क्यों पहने हैं, चलो तुमको घर देते हैं ट्रेन से इधर। तो यहाँ पे एक इन्होंने जो बड़ी बात कही थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम रहते हैं, यहाँ से अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम करने के बाद क्या हम घर वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। क्या ऐसा सच में है? आप इस वीडियो के कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।